दिन था 6 अगस्त साल 1945। सुबह के 8 बजे थे। जापान के हिरोशिमा में लोग रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थे। सब कुछ नॉर्मल जैसा चल रहा था। हिरोशिमा के लोग इस बात से बेखबर थे कि जो उनके साथ होने जा रहा है उसको अतीत में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा। जापान के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने B-29 बॉम्बर इमोला गे से इसी शहर पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। देखते ही देखते पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। लेकिन इस हमले के पीछे बहुत से सवाल उठते हैं कि क्यों अमेरिका ने हिरोशिमा पर ही परमाणु हमला किया, क्यों दोनों देशों के बीच में इतनी तनातनी मची हुई थी और इस हमले का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन था। तो आइए डिटेल में आपको ये सारे इंसिडेंट को समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट को समझाने के लिए हमें आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। दरअसल 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब पैसिफिक ओशन के बीच एक आइलैंड पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख मोड़ डाला था। जी हाँ, ये जगह थी पर्ल हार्बर। कहा जाता है कि उस दिन जापान ने सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के उस बेस पर सबको हैरान करते हुए हमला कर दिया। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर बाकी दुनिया जंग में घिरी थी, वहीं अमेरिका इससे अलग था। लेकिन फिर जहन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों इस वर्ल्ड वॉर से अमेरिका ने दूरी बना रखी थी। शायद इसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब अमेरिका चाइना को बचाना चाहता था, लेकिन वो इसे लेकर खुलकर सामने नहीं आ रहा था। ये वही चाइना है जो अब अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल बीत चुके थे। इसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। वही अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं हुआ। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अमेरिका के शामिल ना होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी देश था जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था और वो देश था जापान। क्योंकि इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए ये दूसरे देशों पर कब्जा जमा रहा था। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। ये वो समय था दोस्तों जब जापान ने कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और पैसिफिक ओशन में फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी कब्जा जमाने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन जापान को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में, इंडोनेशिया नीदरलैंड के कब्जे में और फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में था। उन देशों को जापान के दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जापान इतना ताकतवर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पीछे हिटलर का हाथ था। जैसा हम सब जानते हैं कि उस समय हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। इधर जापान की हरकतों से परेशान होकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया, क्योंकि जापान खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता था बल्कि उसे 80% ऑयल अमेरिका से ही मिलता था। ऑयल बैन के बाद अब यहाँ जापान के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू हो गई थी। इसलिए अमेरिका ने जापान के सामने एक शर्त रखी कि जापान को चाइना से अपना कब्जा हटाना होगा। हालांकि जापान के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान को ये लगने लगा था कि अगर वो चाइना से अपना कब्जा हटा लेगा तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए अब जापान का फैसला था कि वो चाइना से अपने सैनिक वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि उसने एक प्लान बी बनाया। और प्लान ये था कि जापान अब इंडोनेशिया पे कब्जा करके तेल हथियाने की सोच रहा था। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। और ये बात जापान भी अच्छे से जानता था कि इंडोनेशिया पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि तब इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का राज था और वहां पर पहुंचने से पहले फिलीपींस पर राज किया जाए जो अमेरिका के कब्जे में था। जापान को भी ये मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर जापान को हमले का जवाब देगा। अब चूंकि जापान के पास ऑयल तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए उसे हमले करने की मजबूरी समझ में आने लगी।
लेकिन जापान को ये हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर करना था। देखते ही देखते जापान की सेना ने सीक्रेट प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। प्लान के बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि हमले के लिए जापान ने अपने फ्लीट में 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन्स और सबसे खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इकट्ठा किए थे। इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पैसिफिक ओशन के लिए रवाना किया गया, जहां अमेरिकन नेवल पर्ल हार्बर मौजूद था। हालांकि अमेरिका की तरफ भी अच्छे नंबर्स में सेना और उसके इक्विपमेंट शामिल थे। मतलब अगर हमला होता तो कहीं ना कहीं अमेरिका जापान पर भारी पड़ता हुआ दिखता। लेकिन सबसे ज़रूरी बात और वो ये थी कि हमले से निपटने के लिए अमेरिका को इससे पहले पता होना चाहिए था, जो कि था नहीं। 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जापान के एयरक्राफ्ट और शिप टारगेट पॉइंट से बस 300 किलोमीटर की दूरी पर था। यही वो जगह थी जहां से जापान ने अपने 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए रवाना किया। इधर अमेरिकन नेवल बेस की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उस पर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को ये वो दिन था जब जापान ने 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने एक एक करके अमेरिका के बैटलशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने गोलों की बारिश शुरू कर दी थी। 45 मिनट पर जब ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वहां से वापस चले गए। अमेरिकन नेवी को ये लगा कि शायद हमला रुक गया है और जापानी वापस चले गए हैं, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद बचे हुए बॉम्बर एयरक्राफ्ट आते हैं और टावर तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। अब पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा और इस हमले में अमेरिकन नेवल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका को 20 वेसल, 8 बैटलशिप, 300 से भी ज़्यादा प्लेन तबाह हो गए थे। जापान इस हमले में मजबूत होता दिखने लगा। पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद जापानी वापस तो चले गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। अब इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका चुप बैठने वाला तो था नहीं, इसलिए उसने हमले के दूसरे ही दिन जापान पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब अगले 3 महीनों के अंदर अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर अपने नेवल बेस को दोबारा से रेनोवेट करने का काम शुरू कर दिया। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उसने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में जापान की कैपिटल टोक्यो पर अमेरिकन एयरफोर्स ने बॉम्ब की बारिश कर दी। ये अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया जाने वाला पहला हमला तो था ही, लेकिन इसके बाद अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान में जबरदस्त जंग चलती रही। इस जंग में अमेरिका जापान पर हावी होता गया। अब चूंकि जापान इस हमले से टूट चुका था, लेकिन वो किसी भी हाल में घुटने टेकने को तैयार नहीं था। हमला जारी था और आता है दिन 6 अगस्त 1945 का। जी हाँ, ये वही तारीख है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। बताया जाता है कि 4400 किलोग्राम वेट लिटिल बॉय नाम से इस बॉम्ब ने पूरे शहर को राख में बदल दिया था। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने जापान की कमर तोड़ दी थी। धमाके की धमक 18.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इमोला गेट तक भी पहुंची थी। प्लेन में मौजूद उनके क्रू ने समझा कि उनके जहाज से भी कुछ आकर टकराया है। जब उन्होंने नीचे झाँक कर देखा तो उन्हें आग का गुबार दिख रहा था, जिसे मशरूम क्लाउड के नाम से जाना जाता है। लेकिन वॉर अभी नहीं थमी थी। 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और बॉम्ब फैट बॉय गिराया गया, जिसमें करीब 80,000 लोग मारे गए। बैक टू बैक हमले के बाद टूटे हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने हार मान ली। अगर जापान हार नहीं मानता तो अमेरिका को कोकुरा, योकोहामा और निगाता पर भी अगले परमाणु हमले की तैयारी करने जा रहा था। पर्ल हार्बर के हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद लंबे समय तक जापान और अमेरिका के रिलेशंस और दोनों देशों के लोगों की ज़िंदगी बदल डाली थी। 2016 मई की बात थी
जब अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे एक साथ हिरोशिमा गए और ये एक हिस्टोरिकल घटना बन गई थी। इतना ही नहीं, बराक ओबामा अमेरिकन हिस्ट्री के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू इट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।